थोड़ी खैराती दिख रही। चलिए शांत रहिए, देखिए ध्यान दीजिए मुख्यमंत्री। देखिए मैंने कल आप लोग को एडजेसेंट एंगल पढ़ा दिया था और सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया था, आप लोग समझ चुके हैं जी। नो ओवरलैप, क्लियर। चलिए आगे चलते। देखिए लीनर पेयर ऑफ एंगल्स एक अलग कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर काम करते हैं। लीनर पेयर ऑफ एंगल्स, अब ये सर नो सर मत करिए, चुपचाप करिए। जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तो कोई नहीं बोलेगा। लीनर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर, फिर बोला ना, नहीं बोलेंगे आपको पता है तो ध्यान दीजिए, कम ध्यान दीजिए, और नहीं पता है तो बिल्कुल आप लोग बोर्ड के तरफ ही देखते रहिए। लीनर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट, लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स वेयर नॉन कॉमन साइड फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। सो इन अ लीनियर पेयर देयर आर टू एंगल्स हु है। देखिए कहने का मतलब है कि जो लीनियर पेयर होगा एंगल का, उसमें क्या क्या होगा, उसमें दो एंगल होंगे। हम जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कर रहे हैं तो आपको पता है लीनियर में दो होते हैं, दो एंगल्स होंगे पहली बार, दो एंगल होंगे और उसके साथ साथ उसमें क्या होगा, पहली कंडीशन क्या होगी, कॉमन वर्टेक्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में दोनों एंगल का वर्टेक्स कॉमन होगा पहली बार, ओके। उसकी कॉमन साइड्स होगी, ठीक है। नॉन कॉमन साइड्स मेक अ स्ट्रेट लाइन, और जो साइड कॉमन नहीं होगी, ठीक है, मतलब कि नॉन कॉमन साइड्स, नॉन कॉमन साइड्स मेक्स अ स्ट्रेट लाइन और सम ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। क्या कह सकते हैं, बाय मैं इसको अभी पिक्चर बना के समझाऊंगा। तो तीन कंडीशन आपने देखी इसमें भी, यह है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसमें क्या होगा कि जो पहले मैं आपको पिक्चर बना के दिखा दूं तो ज्यादा बेस्ट। मैंने कहा कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल का मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया, कॉमन वर्टेक्स इस वाले एंगल का, एंगल टू का और एंगल वन, वन और टू एंगल के लिए लिखा है मैंने, दो एंगल दिख रहे हैं, तो एंगल वन हो या एंगल टू, वर्टेक्स कॉमन है, ओ कॉमन वर्टेक्स पहली बात। दूसरी बात कही जा रही है कि कॉमन साइड्स, अब देखिए ओबी जो है दोनों के लिए कॉमन साइड्स है, और जो कॉमन साइड नहीं है, नॉन कॉमन साइड, वो क्या होगी कि स्ट्रेट लाइन होगी या 180 डिग्री की इक्विवेलेंट। स्ट्रेट लाइन तो 180 डिग्री होती है, पता ही आपको एंगल पे। तो देखिए ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होगी। लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, वही वाली बात है। हाँ अब देखिएगा, अब जो मैंने पीछे पिक्चर बनाई है, हट जाता हूं आप लोगों को दिखेगा, इसको अपनी तरफ ले आता हूं। दे हैव कॉमन वर्टेक्स ओ, क्लियर है, दे हैव कॉमन साइड्स ओ बी, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा भी। नॉन कॉमन साइड ए सी आपको दिख रहा हो,
ये पूरी लाइन तो किसी में नहीं आ रही है ना, दोनों में जब भी आएगी तो आप एक ही लाइन को ही लोगे, पूरी की पूरी लाइन तो नहीं आएगी। आप बी ओ ए बनाएंगे, बी पूरी लाइन ले रहे हैं क्या, ओ ए ही तो ले रहे हैं। या बेटा बी ओ सी अगर बना रहे हैं तब भी आप ओ सी ले रहे हैं, ओ ए को तो छोड़ दे रहे हैं। तो मतलब एसी जो पूरी स्ट्रेट लाइन है ये नॉन कॉमन, इस लाइन को हम सब में नहीं ले रहे, ठीक है। तो हम, और इसका मतलब एक चीज और कि जब लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे, ठीक है, तो एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्लियर है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में कोई भी एंगल बनाओ, जैसे एंगल ये वन एक हो गया और दूसरा, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर आप दो एंगल बना रहे हैं तो दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा, तभी हम कहेंगे कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। क्लियर है? आया समझ में? कॉमन वर्टेक्स बेटा वो है ना, देखो आप ये एंगल बनाओ, यहां पे दो लाइन मिल रही है, ओसी और ओबी दो लाइन मिल रही है। अब एंगल टू को देखेंगे तो OB और OA जिस पॉइंट पे मिल रही है, O पे ही तो दोनों बनना, इसी को कॉमन वर्टेक्स कहेंगे। नॉन कॉमन साइड बेटा मतलब ये है कि जब भी आप एंगल बना रहे, जैसे कि इसमें एंगल बना रहे हैं तो OC को छोड़ दिया ना आपने, कॉमन नहीं है, और जब आपने ये वाला बनाया तो OA को छोड़ दिया। कॉमन कौन होगा कि हम जो भी एंगल बनाएंगे दोनों में ऊंची जानी चाहिए, तो वो OB है। तो नॉन कॉमन साइड क्या होगा, एसी अगर पूरी लाइन को हम लेके देखे चलते हैं तो ये दोनों में कॉमन नहीं, समझ रहे? तो ये नॉन कॉमन साइड वही होगा, एसी लाइन जो हमारी है वो नॉन कॉमन साइड है, क्योंकि किसी में भी ये दोनों लाइन तो हम ले ही नहीं रहे, पूरी की पूरी लाइन कहां ले रहे हैं, हाफ ही तो ले रहे हैं ना। सो अब हम एक और पिक्चर बनाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि वो है कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में पढ़ा है तो दिमाग में घूमते रहता है, ठीक है। आ रहा तुम्हें समझ में आया?